है ये वधावन भाई? किसने डाला सरकारी खजानों पर डाका? कौन है आखिर वो जिसने ईडी के निकाले पसीने? एक कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इसी कहावत को सच कर दिखाया वधावन भाइयों ने। इन भाइयों की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि इन पर लगे आरोप भी हैरान करने वाले हैं। तो सवाल ये कि किसको ठगा इन भाइयों ने? तो सुनिए, इन भाइयों ने ठगा भी तो किसको, इसको सुनकर आप बिल्कुल हैरत में आ जाएंगे। इन्होंने अपने शातिराना अंदाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और बुलडोजर बाबा यानी योगी सरकार के नाम तक का सहारा लिया। पूरी कहानी बताए उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन है ये भाई जिन्होंने मोदी केयर फंड तक को लगा दिया करोड़ों का चूना। ये कोई और नहीं बल्कि बहुचर्चित दीवान हाउसेस फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी के सर्वे सर्वाहे साहब। लेकिन इनका जाल बहुत तगड़ा है, तभी तो बड़े बड़े इनकी चपेट में आ गए। ये कैसे करते हैं पैसों का हेर फेर, इसे सुनकर आप भी दंग में रह जाएंगे। तभी सीबीआई के पसीने छूट गए इसके किस्से को सुनकर। आप भी जान लीजिए कैसे करते थे ये भाई फ्रॉड। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों के लिए योजना बनाई, उस योजना में भी इस कंपनी ने लाखों रुपए की सेंधमारी कर दी। अपने बैंक के जरिए 80,000 फर्जी खाते खोले और वो भी सरकारी योजना के नाम पर, और फर्जी लोगों के साथ मिलकर सरकारी रियायत खा गए। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के बाद अब योगी सरकार से भी ठगी कर दी। उत्तर प्रदेश में हुए पीएफ घोटाले में भी इन वधावन भाइयों का नाम आता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के 15,000 कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा भी इस कंपनी में फंस गया। इतना ही नहीं, आगे की कहानी तो सुनकर आप और भी चिंता में आ जाएंगे। जरा ये भी सुनिए, पीएम केयर फंड में भी इन दोनों भाइयों ने 22 करोड़ रुपए का भारी भरकम गबन कर दिया। सवाल ये उठता है कि इनको इतनी हिम्मत मिली कहां से? DHFL ने 2010 से करीब 34,000 का कर्जा लिया जो अब तक इस कंपनी ने चुकता नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।